भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है कि जो आपसी कला हो गया है, बीजेपी ने जो इतना सांप्रदायिक झगड़ों को आगे बढ़ा कर करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हरिजन ये जो मैंने आपस में जो कलह कर दिए हैं कि हर आदमी विचलित है, इस भारत देश में सारे लोग विचलित हैं। इसको उससे झगड़ा कराओ, उसका उससे झगड़ा कराओ, जाट का उससे झगड़ा कराओ, तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे बेरोजगारी है, बेशुमार बेरोजगारी है, महंगाई का तो आप देखिए रहे। लेकिन भाजपा तो कह रही है भारत तो पहले से जुड़ा है, जोड़ने की जरूरत है, भारत को तो ये खंड खंड कर रहे हैं, हर जगह मारपीट, हर जगह हंगामा। अभी कलकत्ता में जाके देखिए बीजेपी के लोगों ने क्या किया है, वहाँ गाड़ी को भूख दिया प्रशासन के, प्रशासन को दौड़ा दौड़ा कर रोड करके मारा। ये मैंने किसी भी तरह से भारत में जो है फूट करो और राज करो, जो मामला चल रहा था कि आपस में झगड़ा करो। राहुल गांधी उसी को प्यार के संदेश को लेकर के निकले हैं, ये रेडियो पर बैठ के रेडियो वाली बात ही नहीं कर रहे हैं, मन की बात ही नहीं कर रहे हैं, मन की बात कोई सुन रहे हैं, किसका क्या पीड़ा है। बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, फीस उसका इतना हो गया, हर जगह जीएसटी लग गया, बच्चा के कंधा पर बैग रहता था, आज वो बच्चा रोड पर निकल के रहा। कांग्रेस भारत जोड़ो की बात कर रही है, गोवा में उसके विधायक खुद भाग जा रहे हैं, वो जुड़ नहीं रहे हैं, उनके विधायक भाग जा रहे हैं, तो बीजेपी का ये करमात है। बीजेपी के दुशासन वहाँ गोवा में पहले से थी, कहने का मतलब हो गया आप कांग्रेस को तोड़ करके वहाँ पर डरा करके ईडी के सीबीआई के माध्यम से डरा करके उनको पैसा का प्रलोभन देके अपने तरफ ले लिया जा रहा है, तो क्या है उनको सुकून मिलेगा वहाँ जा करके? वो भी बेबिल्ला हो जाएंगे, वो भी बेबिल्ला हो जाएंगे। वैसा कोई बात नहीं है, झारखंड में भी इस चीज़ को अप्लाई किया गया, वहाँ क्या हुआ? बिहार में अप्लाई किया गया, वहाँ क्या हुआ? झारखंड में क्या हुआ? कहाँ टूटा झारखंड में? बीजेपी तो जहाँ भी देख रहा है कि बीजेपी का शासन नहीं है, जो वहाँ पे बीजेपी हर तरह से पैसा का प्रलोभन दे कर करके 20 लाख 25 लाख 25 करोड़ दे कर करके अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, नेकर में आग लगा के फोटो शेयर कर रही है। अरे वो आग लगा, आग तो बीजेपी लगा रहा है, आप कलकत्ता में जाके देखिए ना, वहाँ प्रशासन की गाड़ी में बीजेपी आग लगा रहा है, प्रशासन को दौड़ा दौड़ा के बीजेपी मार रहा है। तो आप आरएसएस के निक्कर में आग लगाएंगे? आरएसएस के निक्कर की बात नहीं है, आरएसएस पूरे देश में आग लगा रहा है, संविधान को तोड़ रहा है। संविधान जो है भारत देश का तभी बचेगा जब संविधान भी यात्रा निकलेगा, इस बात को याद रखिएगा। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ यात्रा निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान बचेगा तभी हम बचेंगे, संविधान बचेगा तभी भारत जुट रहा है, लेकिन संविधान को भी बचाना है हम लोगों को। संविधान खत्म हो जाएगा तो हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। संविधान का राज कैसे चल रहा है? आरएसएस जब तक रहेगा संविधान का राज, वो तो अपना संविधान लाने की कोशिश में है, लेकिन जो भारत का संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान लिखा हुआ है हम लोग उसी को मान रहे हैं, उसी पर पूरा देश चला 70 सालों से देश, अब न्याय सगुफा निकाल रहे हैं, तो इसको मानने वाला नहीं है। तो आरएसएस वाले संविधान को नहीं मानते? नहीं मानेगा, भारत का कोई आदमी नहीं मानेगा। भारत को जो संविधान है उसी संविधान से हम लोग बच रहे हैं, सारा कुछ हम लोग को उसी से चल रहा है, और संविधान बचाओ यात्रा भी निकलेगा, वो घबराए मत। देश मजबूत हाथों में है। कौन मजबूत हाथों में है? मजबूत हाथों में है तो यही बेरोजगारी है, मजबूत हाथों में तो यही महामारी है, भूख से मर रहा है आदमी, यही महंगाई है। जो लड़का जो है बीएड एमएड कर करके चल रहा है उसको चपरासी का नौकरी नहीं मिल रहा है, लाठी का मार मिल रहा है उसको, यही है, यही देश की आज़ादी हम लोगों की। 2024 में बीजेपी कहाँ रहेगा खुद देखेंगे अपने आप को, जनता इनको बकसने नहीं जा रही है किसी भी हाल में, ये महंगाई के मार से इनको बक्सेगा नहीं जनता, ये पढ़ाई के मांग से बेरोजगारी के मांग से इनको छोड़ेगा नहीं जनता, जनता लेगी इनका बदला, जनता चुनाव में बदला लेगी इनका यहाँ पर।